बेटर एक्सपीरियंस के लिए हेडफोन लगाओ और आंखें हल्की से बंद कर ले। ध्यान से सुनना। कृष्ण के सिर दर्द का इलाज ध्यान से सुनिए। एक बार कृष्ण के जन्मदिवस के अवसर पर उत्सव मनाने के लिए बहुत बड़ी तैयारियां की गई थीं। नृत्य संगीत और भी बहुत कुछ। लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए पर कृष्ण घर में ही बैठे रहे। वे शायद उसमें भाग लेना नहीं चाहते थे। वैसे तो कृष्ण हर तरह के उत्सव के लिए हमेशा तैयार ही होते थे, पर इस दिन किसी वजह से उनकी इच्छा नहीं थी। रुक्मिणी आई और पूछने लगी, नाथ आपको क्या हो गया है? क्या बात है? आप उत्सव में शामिल क्यों नहीं हो रहे? कृष्ण बोले, मुझे सिरदर्द है। हमें नहीं मालूम उनको वास्तव में सिरदर्द था या नहीं। हो सकता है कि वाकई हो, और यह भी संभव था कि वे नाटक कर रहे हों, उनमें वो योग्यता थी। कृष्ण बोले, कोई जो मुझे वाकई में प्यार करता हो वो अपने पैरों की धूल अगर मेरे सिर पर मल दे तो मैं ठीक हो जाऊंगा। रुक्मिणी बोली, हमें वैद्यों को बुलाना चाहिए। तो वैद्य आए, उन्होंने हर तरह की दवाइयां दी। कृष्ण बोले, नहीं ये सब चीजें मुझ पर असर नहीं करेंगी। लोगों ने पूछा, तो हमें क्या करना चाहिए? तब तक बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए थे। सत्यभामा आई, नारद आए, हर कोई परेशान था। क्या हो गया? क्या हुआ है? कृष्ण को सिरदर्द है, हम उन्हें ठीक करने के लिए क्या करें? कृष्ण बोले, कोई जो मुझे वाकई में प्यार करता हो वो अपने पैरों की धूल अगर मेरे सिर पर मल दे तो मैं ठीक हो जाऊंगा। सत्यभामा बोली, ये क्या बात हुई? मैं आपसे बहुत प्यार करती हूं, पर यह नहीं हो सकता कि मैं अपने पैरों की धूल लेकर आपके सिर पर लगाऊं। हम ऐसा काम नहीं कर सकते। रुक्मिणी रो रही थी, हम ये कैसे कर सकते हैं? ये तो आपका अनादर होगा, अपमान होगा, हम ये नहीं कर सकते। नारद भी पीछे हट गए, मैं ऐसा कुछ भी करना नहीं चाहता। आप स्वयं भगवान हैं, मुझे नहीं मालूम कि इसमें क्या रहस्य है। पता नहीं इसमें कौन सा जाल होगा। मैं अपने पैरों की धूल आपके सिर पर रखूंगा तो हमेशा नरक की आग में जलूंगा। मैं ऐसा कोई काम करना नहीं चाहता। चारों ओर बात फैल गई, हर कोई सकते में था। हम ये काम नहीं कर सकते, हम सब उन्हें बहुत प्यार करते हैं, पर ऐसा करके हम नरक में जाना नहीं चाहते। उत्सव मनाने के लिए लोग कृष्ण का इंतजार कर रहे थे, पर कृष्ण अपना सिर दर्द लेकर बैठे थे। फिर ये बात वृंदावन तक पहुंची। गोपियों को मालूम पड़ा कि कृष्ण को सिरदर्द है। तब राधा ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ डाट कर जमीन पर बिछा दिया और सब गोपियां उस पर नाचने लगी। उन्होंने फिर वो पल्लू नारद को देकर कहा, इसे ले जाइए और कृष्ण के सिर पर बांध दीजिए। नारद वो धूल भरा पल्लू ले आए और उसे कृष्ण के सिर पर बांध दिया। कृष्ण का सिर दर्द तुरंत ठीक हो गया। कृष्ण की घमंडी पत्नी सत्यभामा कृष्ण की दूसरी पत्नी थी। वो एक बहुत ही घमंडी स्त्री थी। उसका यह मानना था कि वो सबसे सुंदर और सबसे अमीर स्त्री थी, क्योंकि उसके पिता एक बहुत ही धनवान व्यक्ति थे। तो सत्यभामा जितने और जो रत्न और आभूषण और संपत्ति चाहती थी वो सब उसके पास थे। स्वाभाविक रूप से घमंड उसकी एक बड़ी समस्या थी। एक बार कृष्ण के जन्मदिवस के अवसर पर सत्यभामा ने सोचा कि वो सबको दिखाएगी कि वो कृष्ण को कितना प्यार करती थी। तो उसने तय किया कि वो कृष्ण के वजन जितना सोना शहर के लोगों में बांटेगी। इसे तुलाभार कहते हैं। ये मंदिरों में होता है। लोग एक बड़ी तराजू में अपने वजन के बराबर का मक्खन, घी या चावल या कुछ और रखकर वो चीज लोगों में बांटते हैं। चावल, नमक, दाल या सोना या वो कुछ भी आप दे सकते हैं, जो देना चाहें। ये प्राचीन परंपरा हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है। सत्यभामा ने तुलाभार की व्यवस्था की। लोग बहुत प्रभावित हुए, पर कृष्ण पर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। वे जाकर तराजू के एक पलड़े पर बैठ गए। सत्यभामा जानती थी कि उनका वजन लगभग कितना है और उसने उतना सोना तैयार ही रखा था। पर जब उसने सब सोना दूसरे पलड़े पर रखा तो कांटा जरा भी नहीं हिला। कृष्ण का पलड़ा थोड़ा भी ऊपर नहीं हुआ। ऐसा ही कुछ तब भी हुआ था जब कृष्ण एक शिशु थे। एक राक्षस आकर उन्हें ले जाने लगा। तब कृष्ण ने अपना वजन इतना बढ़ा लिया कि राक्षस वहीं गिर पड़ा और कृष्ण ने उसके ऊपर बैठकर उसे कुचलकर मार डाला। क्रिया योग में एक ऐसा तरीका है जिससे कोई योगी अपना वजन बढ़ा या घटा सकता है।
ऐसी बहुत सी कहानियां हैं कि ऐसे योगी भी थे जो पहाड़ेच की तरह भारी हो जाते थे। तो इस बार भी कृष्ण अपना वजन बढ़ाकर तराजू में बैठ गए। सत्यभामा ने उतना सोना दूसरे पलडी डीहे पर रख दिया था जितना उसके हिसाब से कृष्ण के वजन के बराबर था, पर कुछ हुआ ही नहीं। तब तक शहर के सभी लोग ये घटना देखने के लिए आ गए थे। तब उसने अपने नौकरों से वो सभी गहने मंगवाए जो उसके पास थे। एक के बाद एक वो गहने डालती जा रही थी और सोच रही थी कि काम हो जाएगा, पर कुछ नहीं हुआ। तब उसने वो सब कुछ भी रख दिया जो उसके पास था, पर पलड्ढा जरा भी नहीं हिला। वो रोने लगी क्योंकि ये सब उसके लिए बहुत शर्मजनक था। सारा शहर देख रहा था और उसके पास पर्याप्त सोना नहीं था। वो जो हमेशा अपनी संपत्ति के बारे में इतनी घमंडी थी, उसके पास पर्याप्त सोना नहीं था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तब उसने रुक्मिणी की ओर देखा जिससे वो बहुत जलती थी और हमेशा परेशान रहती थी। उसने रुक्मिणी से पूछा, अब मैं क्या करूं, क्योंकि ये बात सिर्फ मेरे लिए ही नहीं पर तुम्हारे और हम सबके लिए भी बहुत शर्मजनक है, मैं क्या करूं। तब रुक्मिणी बाहर गई और तुलसी के पौधे के तीन पत्ते उठा लाई। जैसे ही तुलसी के वे पत्ते उसने तराजू के दूसरे पलड्ढे पर रखे, कृष्ण का पलड्ढा तुरंत ही ऊपर आ गया। दुर्योधन की पत्नी का कृष्ण भक्त हो जाना। दुर्योधन की पत्नी का नाम भानुमति था। वो एक बहुत ही सुंदर लड्ढकी थी और जब कृष्ण दुर्योधन के महल में मेहमान बनकर आए तब वो सिर्फ 17 साल की थी। दुर्योधन ने एक षड्यंत्र रचा जिससे कृष्ण को नशे की हालत में लाकर कोई वादा करा लिया जाए। उसने सभी तरह की व्यवस्थाएं की और इस बात का खास ख्याल रखा कि भोज में खूब अच्छी मात्रा में शराब भी हो। दुर्योधन के दोस्त भी आए और सभी ने इतनी शराब पी कि वे सब नशे में धुत हो गए। पर कृष्ण ने अपने आप को शांत रखा और वे हर किसी को खुश करते रहे। इस सारे हंगामे में भानुमति ने भी कुछ ज्यादा ही पी ली, जितनी वो पी सकती थी उससे भी ज्यादा। वो एक युवा लड़की थी और उसे इन चीजों की आदत नहीं थी, तो वो नशे में बहकने लगी। कुछ समय बाद सभी लोग बहकने लगे और चीजें काबू से बाहर जाने लगी। भानुमति अपने पर काबू खो बैठी। वो कृष्ण से लिपट गई और उनके लिए अपनी इच्छा प्रकट करने लगी। कृष्ण ने उसे किसी शिशु की तरह संभाला और वे समझ गए थे कि स्थिति खराब हो चुकी थी। वे समझ गए थे कि भानुमति अगर कुछ गलत कर बैठी तो बाद में संभाल नहीं पाएगी और हस्तिनापुर की रानी का गौरव कलंकित हो जाएगा। इसलिए कृष्ण उसको उठाकर महल के अंदर ले गए और उसकी सास गांधारी के कक्ष में जाकर उनके हवाले कर दिया। अगले दिन सुबह जब भानुमति को पता चला तो वो कृष्ण के प्रति सम्मान और कृतज्ञता से भर गई कि उन्होंने उसे बचा लिया था। तब से वो कृष्ण की भक्त बन गई। कृष्ण का अर्धभक्त। एक दिन कृष्ण दोपहर में खाना खा रहे थे और सत्यभामा बहुत ही खुशी और गर्व के साथ खाना परोस रही थी, क्योंकि वो ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो रोज खाना खाने घर पर आए। उसे ऐसा अवसर कभी कभी ही मिलता था कि वो उन्हें खाना परोसे, तो वो ये बहुत खुशी और आनंद से कर रही थी। खाने के बीच में ही कृष्ण अचानक उठ खड्डी डीढ़े हुए और हाथ धोए बिना ही दरवाजे की ओर दौड़ने लगे। सत्यभामा अवाक रह गई और बोली, अरे ये क्या है, खाना तो खा लीजिए और फिर जाइए। कृष्ण बोले, नहीं मुझे जाना जरूरी है, और मुख्य दरवाजे की ओर दौड़ पड़े। पर अचानक वे वापस मुद्दे और खाना खाने बैठ गए। तब सत्यभामा ने पूछा, आप इस तरह क्यों दौड़ पड़े और क्यों वापस आ गए, ये सब क्या है। कृष्ण ने जवाब दिया, मेरा एक भक्त जंगल में बैठा था और उसके जीवन प्राण ही कृष्ण 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 हो गए थे। मैंने एक भूखे बाघ को उसकी ओर आते देखा तो मुझे जाना पड़ डरा। मैं दरवाजे तक पहुंचा ही था कि उस बेवकूफ ने पत्थर उठा लिया, तो मैं वापस आ गया। अब उसे अपने आप ही अपनी परिस्थिति संभालने दो। ऐसे ही कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए।